चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। अ रेक्टेंगुलर लूप इज ड्रॉन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, ध्यान रखो। सर्कल बना के क्रॉस बनाया है, मतलब इनवर्ड इनवर्ड है। अब थर्ड केस में कोई फ्लक्स जो है ईएमएफ नेट ईएमएफ जीरो होगा, नेट ईएमएफ की वैल्यू जीरो होगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और पहले केस में भी नेट ईएमएफ कितना होगा, जीरो होगा। इसमें तो फ्लक्स में चेंजेस हो ही नहीं रहे, तो ईएमएफ जीरो होना ही। इसमें फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन इसका ईएमएफ और इसका ईएमएफ दोनों इक्वल होगा, तो नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें सेकंड केस में फ्लक्स में चेंजेस हो रहे हैं और ईएमएफ जीरो नहीं होगा, और ना ही फोर्थ में जीरो होगा, नेट ईएमएफ कुछ ना कुछ होगा। तो फर्स्ट और थर्ड केस में ईएमएफ जीरो होगा, सेकंड और फोर्थ केस में ईएमएफ जीरो नहीं होगा, ये पॉइंट याद रखना है। तो फर्स्ट और थर्ड, क्या बोल रहा है, क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज, फर्स्ट और थर्ड का ये कैंसिल कर दो। अब सेकेंड और थर्ड में डायरेक्शन कन्फर्म करना है, क्या हुआ, जब अंदर आ रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड फील्ड लाइन इंक्रीज हो रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। किस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज अगर अंदर की तरफ होगा तो वो नहीं चाहेगा, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वायर के, वो नहीं चाहेंगे कि ईएमएफ जो फ्लक्स बढ़े, पहले जीरो था, बाहर था तो जीरो था, जैसे ही अंदर जा रहा है फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में ये फ्लक्स बनाएंगे, फील्ड लाइन बनाएंगे। अपोजिट डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या सेकंड में एंटी क्लॉकवाइज करंट डायरेक्शन, आंसर है नहीं, ये तो क्लॉकवाइज बोल रहा है, करेक्ट। अब ये बाहर निकल रहा है, ये चौथा कॉइल बाहर निकल रहा है, जब बाहर निकलेगा तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, किस डायरेक्शन में, इनवर्ड डायरेक्शन में। तो वो इस कॉइल के अंदर के इलेक्ट्रॉन चाहेंगे ना कि डिक्रीज ना, उतना ही बनता रहे, तो वो उल्टे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएंगे, ताकि मैग्नेटिक फील्ड इस इनवर्ड डायरेक्शन में और बढ़े, जिससे फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। तो ये वाला ऑप्शन, फोर्थ वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।